तो गाइज़ आज की वीडियो में आप लोगों के लिए ले आए हैं कूलर ओएस 6.04 एनी एंड्रॉयड डिवाइस है ना, मतलब ओप्पो डिवाइस। तो यार तो दोस्तों अगर आपका ओप्पो डिवाइस है ना, और आप मतलब ओप्पो रियलमी कोई सा भी डिवाइस यूज़ करते हो, तो उसमें आप देखो कलर ओएस 6 इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये मैंने काफ़ी इजीली कर दिया है, और ना इसमें मैंने कोई गे अपना फ़ोन भी रूट वूट नहीं करा है ना। तो ये देखो सबसे पहला चेंज तो इसमें ये दिख रहा है, इसमें आइकन्स चेंज हुए हैं, और ये देखो इसमें नोटिफिकेशन मतलब नोटिफिकेशन पैनल भी काफ़ी चेंज हो चुका है। ये देखो मैं आपको मोबाइल डाटा, और ये ब्लूटूथ है, और ये फ्लैश लाइट, और ये काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई है ना। और उसमें नेविगेशन बार भी चेंज हो चुका है, जैसा कि आप सब देख ही सकते होगे है ना। तो इसको अगर इंस्टॉल करना है तो वीडियो पूरी देखना, वीडियो को पूरी देखते रहो है ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। तो अगर आपको कलर ओएस 6 पॉइंट अपने फ़ोन में चाहिए, तो यार आपको उसके लिए एक चीज़ करनी होगी, आपको जाना होगा नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको दो लिंक मिल जाएंगी, और पहली जो लिंक होगी वो थीम की लिंक होगी। यार ये मैं आपको बता दूँ, एक थीम थी है ना, तो इसको आप अपने फ़ोन में लगा के कलर ओएस 6 का मज़ा ले सकते हो है ना। और अगर आप रियलमी के डिवाइस यूज़ करते हो, तो आपको नीचे थीम स्टोर की भी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से थीम स्टोर भी डाउनलोड कर सकते हो है ना। तो थीम डाउनलोड करने के बाद 27 MB की थीम होगी, तो वो आपको थीम यहाँ से आपको जाना है अपने डाउनलोड फोल्डर में, जहाँ पे भी आपने डाउनलोड करा है, फिर आपको कलर ओएस 6 थीम ये इस टाइप का आ जाएगा है ना। तो वैसे आपका ट्राई नाउ का ऑप्शन यहाँ आएगा नहीं, तो ये ट्राई नाउ का ऑप्शन लाने के लिए आपको थीम स्टोर को लॉन्ग प्रेस करना होगा, ऐप इन्फॉर्मेशन में जाके इसका स्टोरेज यूसेज क्लियर डाटा कर देना है ना। तो यहाँ से ये करने के बाद आपका ये सब रिस्टार्ट हो ऐसा होगा, तो यहाँ पे आपको फिर से क्लिक करोगे तो आपका ट्राई नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ट्राई नाउ पे क्लिक करना है, और ये थीम आपकी सेट हो जाएगी। तो ये थीम अभी सेट हो गई है, और अभी मेरे नोटिफिकेशन पैनल और नैव बार कीज़ भी चेंज हुई है। तो इसके लिए आपको अपना सिंपली फ़ोन रिस्टार्ट करना होगा, तो मैं आपको अपना फ़ोन रिस्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि थीम कैसे लगती है, और आप देख तो चुके ही हो है ना। तो मैं एक बार और अपना फ़ोन रिस्टार्ट कर देता हूँ, तो मिलता हूँ रिस्टार्ट के बाद। A few moments later. दोस्तों देखो मैंने अपना फ़ोन रिस्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे ये थीम प्रॉपरली लग चुकी है मेरे फ़ोन में। तो दोस्तों अगर आप अपना आप लोग ओप्पो A3 मतलब ओप्पो का कोई भी डिवाइस यूज़ करते हो, तो उसके लिए आपको ये थीम परमानेंट लगाने के लिए आपको सिंपली जाना होगा यहाँ से थीम स्टोर पे, थीम स्टोर आपको ऐप इन्फॉर्मेशन में जाना होगा। इस टाइम आपको इसका स्टोरेज यूसेज भी क्लियर पहले इस क्लियर कैचे करना है, फिर आपको क्लियर डाटा करना है। तो इससे थीम आपके फ़ोन में 2 से 3 दिन के लिए लग जाएगी है ना। तो फिर आप 2 से 3 दिन तक का मज़ा ले सकते हो, फिर से आप जाके ऐसे कर देना। और अगर आप रियलमी का फ़ोन यूज़ करते हो, तो सिंपली आप अपना जो थीम स्टोर लिंक से आप डाउनलोड करोगे, उसको थीम अप्लाई करने के बाद डिलीट मार देना, तो ये थीम आपके फ़ोन में परमानेंट लग जाएगी, जब तक आप अपना फ़ोन रिस्टार्ट नहीं करोगे है ना। तो गाइस यही थी वीडियो, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, इस वीडियो को चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, जनता के मेरे चैनल से लेटेस्ट वीडियो स्क्रिप्ट तो मिलती रहे। तो बाय, सी द नेक्स्ट वीडियो।